जी आ चुका है ऑर्डर वाइट ग्रेवी सैंडविच और जो है मैंने कोक मंगा ली एक। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज कृष शर्मा एंड आई होप दैट यू आर डूइंग अ प्रीटी वेल। सो गाइज, थोड़ा बहुत आपको देख के आइडिया हो गया मैं कहाँ पर हूँ। गाइज, मैं हूँ फिर से हरी स्ट्रीट बिल्डिंग में। ये सामने है बर्गर सिंह और सामने आटो बिरयानी। हम बर्गर सिंह नहीं आए बिकॉज बर्गर सिंह हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है। गाइज, आज हम फाइनली मोस्ट डिमांडिंग प्लेस ऑन माई चैनल आटो बिरयानी आ चुके हैं। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर कहते हैं कि भाई आप सब में चले गए आटो बिरयानी आते नहीं, जल्दी से आटो बिरयानी जाओ। तो गाइज, फाइनली आज हम आ चुके हैं आटो बिरयानी। तो गाइज, आपको हम मुरादाबाद शहर का आटो बिरयानी पूरा का पूरा घुमाएंगे, अच्छे से दिखाएंगे कि कैसे क्या क्या मिलता है, क्या अच्छा है यहाँ पे। तो ये वीडियो लास्ट से करें, ये वीडियो बहुत अच्छी वाली वीडियो, अच्छी लाइक करना, कमेंट करना और बताना आपको वीडियो कैसी लगी। हमारे मुराद में टेढ़े सिटी के बराबर में रामगढ़ में जो हाई स्ट्रीट बिल्डिंग है उसके फर्स्ट फ्लोर पर एक सुबह जैसे आप देख सकते हैं आटो बिरयानी बाहर से तो लग रहा है जिसका एंट्री गेट है। फाइनली हम चलते हैं आटो बिरयानी के अंदर। आइए, वाओ गाइस, वाओ गाइस, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ आटो बिरयानी, आज तक कभी नहीं आया। मेरे अंदर से शायद फर्स्ट टाइम दिखाई गाइस, मैंने अंदर से फर्स्ट टाइम दिखाई आटो बिरयानी। वाओ गाइस, वाओ गाइस, काफ़ी सही है भाई, ये तो कितना सही लग रहा है। तभी हो काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे कि भाई आटो बिरयानी जाओ आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे प्यार प्यार सब्सक्राइबर फाइनली आ चुके हैं आटो बिरयानी के अंदर, क्या बात है। और गाइस, मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ 360 डिग्री व्यू यहाँ का, पूरा पूरा आटो बिरयानी का, ठीक है। बाकी आपको और दिखाएंगे अच्छे से बाद में। सुबह हम आपको दिखा रहे हैं हमारे मुराद का काफ़ी फेमस आटो बिरयानी, सारा का सारा रेस्टोरेंट जैसे आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये सारा का सारा है आटो बिरयानी, ये देखिए। सुबह दिए हैं हमारे साथ में आटो बिरयानी की मैनेजर। सर, योर गुड नेम? इंतकम नाम है। तो मैं सारा का सारा आटो बिरयानी घुमाएंगे, अच्छे से बताएंगे कि क्या अच्छा कैसे अच्छा है। तो सर, सब फर्स्ट बताइए, इसकी ओपनिंग कभी हुई थी आटो बिरयानी की मुराद शहर में? ओपनिंग इसकी 3 दिसंबर 2020 में हुई थी, इसकी 2021 में, मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है, हो गया चुका है। अच्छा, तो यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, मतलब सबसे अच्छा क्या मिलता है यहाँ की स्पेशलिटी में? सबसे बेस्ट तो बिरयानी है, बस इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ मेन कोर्स, स्टार्टर और कॉन्टीनेंटल फूड्स भी अवेलेबल है। अच्छा जी सर, तो यहाँ का इसका एड्रेस क्या बता देंगे जल्दी से? सर, यहाँ का एड्रेस जो है परंपरा हाई स्ट्रीट एरिया कहलाता है, ये टीडीआई सिटी के नियर कहलाता है। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर पे? फर्स्ट फ्लोर पे सर। अच्छा, जैसे कि हमारा लाइव किचन रहता है। हाँ, लाइव किचन है, ओपन किचन है, बार मॉकटेल काउंटर रहता है। अच्छा, स्पेशली मॉकटेल्स अवेलेबल रहते हैं। अच्छा, हार्ड लीकर नहीं होता है यहाँ। अच्छा, ये हमारा तो छोटा सा पार्टी हॉल है इसमें। अच्छा, ये वहाँ देखते हैं। अच्छा, बर्जन मोहित है यहाँ पे, मोहित सब मिलता है मोहित है। अच्छा अच्छा, सारा मॉकटेल्स में रहता है। अच्छा, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक मिलती है, हार्ड ड्रिंक एक भी नहीं मिलती यहाँ पे। अच्छा, ये इनका पार्टी वाला है आपका। लाइट ऑन कर देंगे सर की। सुबह दिए इनका पार्टी वाला आटो बिरयानी का, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा पार्टी वाला, ठीक ठाक पार्टी वाला है। 60 मेंबर की गैदरिंग होगी। अच्छा, ऑडिटोरियम टू मंड बुफे रहता है हमारे यहाँ। अच्छा, फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे मतलब बर्थडे पार्टी एनिवर्सरी पार्टी। हाँ, समझ गया, ये सब हमारे यहाँ कैजुअल पार्टीज भी अच्छा करा सकते हैं, यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, 60 मेंबर्स की, तो उसके चार्जेस वगैरह क्या है 60 लोग आप यहाँ पार्टी हॉल बुक करने के? अकॉर्डिंग टू मेन्यू रहता है, अकॉर्डिंग वगैरह कराना चाहते हैं उसका चार्जेस अलग रहता है। अच्छा, अकॉर्डिंग मेन्यू हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मतलब जो यहाँ पे गैदरिंग करेंगे उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे, अकॉर्डिंग टू मेन्यू चार्जेस रहेंगे? मेन्यू रहते हैं अभी फिलहाल के चल रहा है। अच्छा, सो गाइस, जैसे कि मुराद में जो भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं उसमें पार्टी हॉल होता है, तो यहाँ पे आटो बिरयानी में भी पार्टी हॉल है और काफ़ी अच्छा पार्टी हॉल है। मैं इनफैक्ट गाइस, मैं बोलूँगा, मैं जितने भी पार्टी हॉल में जाता हूँ, बाकी सबके जो रेस्टोरेंट होते हैं, रेस्टोरेंट एक नंबर होते हैं, सबको अच्छा होता है, लेकिन पार्टी हॉल जो उसका है गाइस, ऐसा पार्टी हॉल मतलब बहुत कम देखने को मिलते हैं। गाइस, आटो बिरयानी का पार्टी हॉल वन ऑफ द बेस्ट पार्टी हॉल है मुराद में, बहुत ही प्यारी जगह है पार्टी हॉल इनकी। देखो, और सामने यहाँ पे लिखा है इट्स पार्टी टाइम, तो ये काफ़ी अच्छी वाइब देगा आपको। तो बस क्या कहने हैं भाई, बहुत अच्छी जगह है। दिल्ली रोड पे, तो उसमें भी एक स्मोकिंग एरिया था, तो यहाँ पे भी एक स्मोकिंग एरिया, सेल्फी पॉइंट एरिया, आप कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ पे काफी अच्छा एरिया है। थोड़ा यहाँ पे अंदर हो गया, नहीं तो आपको थोड़ा शाम के टाइम में डेलाइट में बहुत अच्छा यहाँ पे व्यू दिखाई देता आपको।
तो काफ़ी सही लग रहा है। अंदर चलते हैं, आओ। सो गाइस यहाँ बैठते हैं हम, ये कॉर्नर की सीट ज़्यादा अच्छी लग रही है बिकॉज यहाँ पे थोड़ा गिरनी भी दिखाई देगी थोड़े। ये रियल है प्लांट्स या ऐसे ही? अच्छे लग ले रहे हैं ना। थोड़ा बताएंगे ना क्या आप मेरे लिए ऑर्डर कर रहे हैं। सो गाइस ये है ऑटो बिरयानी की मेन्यू बुक। ये कैसा सूप? अच्छा ये शॉप है, अभी विंटर स्पेशल स्टार्ट हो चुका है। अच्छा इसमें हम क्या, हमारे यहाँ फिश भी अवेलेबल है। अच्छा 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 चाहते हैं। अच्छा मल्टी कुजीन है ये भी? मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है तो ठीक है, चलो फाइन डाइनिंग इसको बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी विंटर वेकेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है, इसमें सी फूड्स अवेलेबल है। अच्छा तो गाइस आप इसके थोड़े लेना, इसके जो भी आपके प्राइस लग रहे हो ठीक है, ठीक लग रहे हो आपको? सो गाइस काफ़ी लोग मुझसे प्राइस के बारे में पूछते हैं, तो आप वीडियो पॉज करके या फिर इसके थोड़े लेके प्राइस देख सकते हैं। आपको सारा ज़्यादा प्राइस दिखा रहा हूँ मैं पूरी मेन्यू बुक का, ठीक है? ये चाइनीज़ है, चाइनीज़ का अवेलेबल है सारा कुछ, ठीक है। तो गाइस सर बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है बैज गार्डा फ्रेश पिज़्ज़ा, जिसकी प्राइस है 320 रुपीज़ के, तो हम ये ऑर्डर कर रहे हैं। बाकी आप खाकर देंगे कैसा है? सो गाइस फिर से बोलूँगा जो मेरे साथ हमेशा होती है, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं ना जो पिज़्ज़ा में होती है तो सॉस लगती है, नॉन वेज होता है तो पिज़्ज़ा में कैंसिल करना पड़ता है बिकॉज नॉन वेज खाते नहीं हूँ। तो सर बोल रहे हैं बैज ग्रीन सैंडविच में नहीं होगा, भाई तो कॉमन सा होता है, लेकिन चलो ट्राई कर लेते क्या करें, ठीक है? भाई एक बोल यही सैंडविच हमने गाइस ऑर्डर कर दिया, बैज ग्रिल्ड चीज़ सैंडविच बस विदाउट ऑनियन, एक ये मिल रहा है जिसकी प्राइस है 125 रुपीज़। अभी इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है, मेरे को लगा एक्सपेंसिव होगा ये देख के, लेकिन इतना एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। गाइस मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्रिश भाई आप प्राइस में प्राइस अच्छे बताया करो, तो मैं प्राइस बता रहा हूँ गाइस, आटो बिरयानी में आपको मिनिमम से मिनिमम 120 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे, 125 रुपये, जो कि मैंने भी ऑर्डर किया है ग्रिल सैंडविच बैज ग्रिल सैंडविच। तो आप अगर आटो बिरयानी आना चाहते हैं तो आपका 120 रुपीज़ में काम हो जाएगा। बाकी आप करना चाहें कितने खर्च कर सकते हैं, 500, 1000, 2000 कितने खर्च कर सकते हैं? गाइस ये जितना बड़ा दिखाई दे रहा है आपको कैमरे में उससे काफ़ी बड़ा है, ये बड़ा सा इनका एक मतलब हॉल है, वहाँ पे एक किचन है ओपन किचन, और यहाँ पे इनका बड़ा सा एक पार्टी हॉल है, और इनका एक आउटडोर एरिया भी है, तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सही है। आपको बताएंगे खाने में कैसा जगह? तो एक नंबर है, मतलब नो डाउट एक नंबर भाई। चलो थोड़ा बहुत आपको सैंडविच दिखाते हैं, 1 2 3। सो गाइस ये आ चुका है ऑर्डर वाइट ग्रिल सैंडविच, और जो है मैंने कोक मंगा ली एक, मैंने कैन मंगाई थी, कैन मिलेगी नहीं, एक ग्लास में करके देंगे, चलो कोई बात नहीं। सो गाइस हम ट्राई करते हैं अपना वाइट ग्रिल सैंडविच, मैंने जो वाइट ग्रिल सैंडविच खाया था कुंदन रेस्टोरेंट में काफ़ी टाइम पहले, मैंने टेस्ट के मामले में आटो बिरयानी की काफ़ी तारीफ सुनी थी और उस पर खरा उतरा है। बैग सैंडविच कुंदा में खाया था और यहाँ भी खाया मैंने, भाई उसमें और उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, बहुत ही प्यारा है इसका भी, मज़ा आ गया खा के। वाइट ग्रिल सैंडविच मैं खा रहा हूँ, बहुत टेस्टी, लिटरली बहुत टेस्टी भाई। तो वो मेरे काफ़ी फ्रेंड यहाँ पर आए हैं, उन्होंने बताया था कि बहुत अच्छा टेस्ट है यहाँ का। इंटरवल वाइज आटो बिरयानी को 10 में से 8 9 मिलेंगे, लेकिन टेस्ट वाइज 10/10 मतलब किल डेट भाई।
सो गाइस हो चुका है ऑल फिनिश, काफ़ी टेस्टी था भाई, मज़ा आ गया यहाँ पर आके। तो मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, चीज़ों का नॉर्मल था होता है मतलब क्या ही टेस्टी होगा उसमें, लेकिन भाई मज़ा आया खा करके। हम अपना बिल का वेट कर रहे हैं गाइस। जो ऐसी लाइट होती है डिम लाइट जो मतलब लगती तो काफ़ी कोजी है, काफ़ी लगती काफ़ी प्यारी है, रियल में तो कैमरे में अच्छी नहीं आती है। मतलब ऐसा यूट्यूबर्स वाला मतलब लाइट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है ना, और जब ऐसी लाइट थोड़ी कम होती है थोड़ा लाइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आती, लेकिन रियल में बहुत प्यारी लगती है। और आई एम श्योर कि काफ़ी लोग यहाँ पे बिजली ऑलरेडी कर चुके होंगे ऑटो बिरयानी, और नहीं क्या है तो यहाँ पर आ जाना। ये आ चुका हमारा बिल ऑटो बिरयानी का, और ये इन्होंने दिया है ये क्या भैया, माउथ फ्रेशनर, तो काफ़ी अच्छी बात है भाई बिल के साथ माउथ फ्रेशनर दे रहे हैं। और यहाँ से चलते हैं, और आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। और सर कुछ कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस से जो वीडियो ब्लॉग देखिए यहाँ पर आना चाहेंगे या आना चाहते हैं, एक बार विजिट का मौका जरूर दें। अच्छा थैंक यू, ठीक है। सो गाइस हम चलते हैं ऑटो बिरयानी को छोड़ के, इतनी पैदा छोड़ के यदि यहाँ पे एक सैलून है, चलो यहाँ पे कभी हेयर कट करेंगे, आपको बुलाएंगे दिखाएंगे आपको। और ये है USPFC, इसका हमें ब्लॉग शूट कर रखा है, आपने नहीं देखा तो मैं लिंक अपलोड कर दूँगा, मेरा डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है। बाकी तो हाइट बिल्डिंग सभी ठीक है, मतलब सभी अच्छे हैं, कोई ऐसे है नहीं, है नहीं है। चलो बस काफ़ी लेट हो चुका, आप चलते हैं यहाँ से ज़रा। देखिए यहाँ पर बड़ा बड़ा दिखा है ऑटो बिरयानी, आप जब जो हाई स्ट्रीट बिल्डिंग पर आएंगे तो यहाँ सब्बे है, और सब्बे के जब ऊपर है ऑटो बिरयानी। सो गाइस वीडियो को कमेंट करते हैं, आई होप को आपकी वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और नए तो सब्सक्राइब कर देना। और जो है मिलते हैं फिर से किसी मतलब तरीके, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, अपना ध्यान रखें, बाय बाय, गाइस लव यू ऑल। हम आपको अपने इमरान सिटी की ऐसी अच्छी जगह आपको दिखा देंगे, उसके लिए कीप सब्सक्राइब, बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, बाय।